आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये 2TB का SSD टैब के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं। आज का शूटिंग सेटअप मैं सेट कर देता हूँ पहले। लो जी, हो गया सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा गैलेक्सी टैब क्या USB OTG सपोर्ट करता है, मतलब कि क्या पेन ड्राइव वो डिटेक्ट करता है अगर उसके साथ इसे जोड़ें। तो डिटेक्ट किया था इसने। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। आज हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं ये SSD, पर ये है 1TB का। 1TB नहीं, 2TB का। तो क्या ये 2TB का SSD सपोर्ट कर पाएगा, उसे डिटेक्ट कर पाएगा, उसे चला पाएगा? तो चलिए, देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे को चाहिए ऑफ कोर्स ये टैब, एक SSD, एक अटैचमेंट के लिए ये USB-C to USB-A ईमेल और ये USB-C to USB-A केबल। तो सबसे पहले हमारे को ये अटैच करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें USB-C है तो USB-C वाला यहाँ पे अटैच करेंगे। और इसमें क्योंकि अब ये हमें अटैच नहीं करना है तो इसे साइड पे रख देते हैं। इसमें अटैच करना पड़ेगा ये मैंने इसमें अटैच कर दिया। अब इसके साथ हमारे को अटैच करना है ये 2TB वाला SSD। देखिए इसमें लाइट जल गई है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या यहाँ पे भी इसमें दिख जाता है ये। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके फोल्डर पे। ये रहा फोल्डर, ये इंटरनल स्टोरेज है, इसे बंद कर देते हैं। ये SD वाला स्टोरेज है, जो मैंने SD कार्ड इसमें लगाया नहीं है। SD कार्ड मैंने इसमें लगाया नहीं है तो वो डिटेक्ट नहीं होगा इसमें, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए USB स्टोरेज 1 जो है, यही है वो 1.95 TB लिखा हुआ है। 1.95 TB, वही 2TB वाला। इसे खोलते हैं। ये देखिए मेरे सारे यहाँ पे फोल्डर्स इसमें खुल जाते हैं। तो ये वाला खोल लेते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ पे वीडियोस इसमें हैं सारे। अब इसमें से एक फोटो खोल लेता हूँ मैं। ये देखिए ये वाला फोटो है, ये मैंने तब लिया था जब मैं दुनिया का सबसे छोटा वाला किला शूट करने गया था। क्या आपने वो वीडियो देखा? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। अभी तो इसे करते हैं बंद और इसे ट्रांसफर करके दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले लॉन्ग प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मूव नहीं करना है हमारे को, तब तो ये बिल्कुल वहीं चला जाएगा। कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमारे को जाना है इंटरनल स्टोरेज पे। ये इंटरनल स्टोरेज पे आ गया मैं। चलिए फोल्डर ओ मैंने वैसे ही बना रखा है, वहां जाता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए कॉपी हियर, तो ये यहाँ पे आ गया। ये है, खोला तो ये मेरा आ गया इस टैब के अंदर। और ये मेरा पहले का है जो मैंने इस पेन ड्राइव से इसमें ट्रांसफ़र किया हुआ था पिछले वीडियो में। तो इसे करते हैं बंद और आपको दिखाते हैं कि अब अगर इसे अनमाउंट करना हो तो क्या करें। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस SSD से इस टैब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और टैब से भी इस SSD में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप अपना डाटा। 2TB है ये, काफ़ी हैवी है ये, तो वो काम कर रहा है इसके साथ। अनमाउंट करने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा सबसे पहले उसी जगह जहाँ पे ये है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे है इस टैब में। वो है यहाँ पे USB स्टोरेज, इस पे जाता हूँ और यहाँ पे ये सब ये फाइल्स एंड फोल्डर्स आ गए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बोलता है अनमाउंट, तो अनमाउंट करता हूँ। तो मैंने अनमाउंट कर दिया। यहाँ पे ये दिखा रहा है नॉट माउंटेड, तो इस वक्त माउंटेड नहीं है। फिर माउंट करना हो तो फिर यहाँ पे ही क्लिक करके कर सकते हैं, वैसे मुझे करना नहीं है ऐसा। अनमाउंटेड है तो मैंने इसको निकाल ही देना है इसमें से, तो ऐसे निकाल देंगे। सीधे निकालना नहीं है, आपका ये करप्ट हो सकता है, उससे आगे का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, ये ऐसे निकाल देना है। इस वीडियो में हमने देखा कि क्या 2TB का SSD गैलेक्सी टैब A9 प्लस के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं।
होता है वो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। अगले वीडियो में हम और कुछ देखेंगे, तब तक जुले नमस्कार सत श्री अकाल।